हरे कृष्णा। जैसे ही लोगों के मन में भगवत गीता का स्मरण आता है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता तो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हम जरूर गीता पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही गीता हाथ में लेते हैं, उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? भगवत गीता को आप कभी भी किसी भी समय में पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से सूतक के समय में भी आप भोजन तो जरूर करते हैं, जिस प्रकार रोटी सब्जी चावल दाल इस शरीर का आहार है, ठीक उसी प्रकार से भगवत गीता का ज्ञान हमारे आत्मा का आहार है। तो इसको आप दिन भर में कभी भी किसी भी समय में पढ़ सकते हैं। आप चाहे इसको टेबल पर रख के पढ़ें, ऑफिस में पढ़ें, ट्रैवलिंग टाइम पे पढ़ें, कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको पढ़ने में कुछ नियम को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे जब तक आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब ना हो, तब तक आप इसे बेड पर ले जा करके ना पढ़ें। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो खाते वक्त गीता को ना पढ़ें, क्योंकि जब हम खाते हैं तो हमारा हाथ जूठा रहता है और जूठी अवस्था में गीता का स्पर्श करना अपराध है, सही नहीं है, गलत है। दूसरा, कई लोग गीता को पढ़ने के लिए अपने थूक यानी कि सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं पेज को टर्न करने के लिए, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। गीता में जो श्लोक हैं, जो संस्कृत हैं, वो एक साधारण संस्कृत नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान कृष्ण के शब्द हैं, तो हमें उसके लिए ऑटमोस्ट रिस्पेक्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो अब बात आती है कौन सी गीता पढ़ें। तो मैं आपको एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा अनुवादित भगवत गीता यथारूप रिकमेंड करना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद जी यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश का क्यों ना हो, वह गीता पढ़े, गीता समझे, उसको अपने जीवन में अनुसरण में लाए, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने भगवत गीता को अनेकों भाषाओं में इसका अनुवादन करवाया। आप अपने पास के हरे कृष्ण मंदिर या फिर इस्कॉन मंदिर से अपनी भाषा के अनुसार आप गीता खरीद सकते हैं, या फिर आप Amazon या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी गीता ऑर्डर कर सकते हैं। अब दूसरा विषय है, हम गीता कैसे पढ़ें। मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आप गीता को शुरुआत से पढ़ें, और इसकी शुरुआत करने से पहले आप भगवान कृष्ण को जरूर नमन करें। नमो ब्रह्मण देवाय, गौ ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः। यह प्रणाम करने के पश्चात आप गीता को पढ़ने का प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ लोग सीधे उस चैप्टर पे जाते हैं जो उनकी पसंदीदा है, लेकिन आप ऐसा ना करें। आप किसी भी चैप्टर पे जंप ना करें, बल्कि आप भगवद गीता को शुरुआत से प्रारंभ करें। भगवद गीता का प्रीफेस है, जिसमें बताया गया है गीता क्या है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इसका क्या लाभ होगा, वहां से शुरू करें, फिर आप भगवद गीता के पहले अध्याय पे आए। अब आप देखेंगे भगवद गीता का अध्याय एक, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसमें श्लोक है, हर श्लोक के शब्द का अनुवाद है, पूरे श्लोक का पूरा अनुवाद है, फिर तो उसका भावार्थ है। आप श्लोक पढ़ें। श्लोक पढ़ने में अगर आपको कठिनाई होती है, आप सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना सोचें कि हमसे कुछ अपराध हो रहा है। आप उसके नीचे जो एक एक शब्द दिए गए हैं, आप उसको पढ़ने का प्रयास करें, उसके बाद में अनुवाद पढ़ें, फिर आप पूरा भावार्थ पढ़ें। अगर फिर भी आपको गीता समझ में नहीं आ रही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक और खास चीज बताने वाला हूं। हरे कृष्णा मंदिर के माध्यम से एवरी डे शाम को ऑनलाइन फ्री गीता क्लासेस होती हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।